नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हम कहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह हमें भूमध्य रेखा या इक्वेटर के दोनों ओर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कर्क रेखा देखने को मिलेगी, और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर आपको मकर रेखा देखने को मिलेगी। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, आपको यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपकी मकर रेखा हो गई, ये मकर रेखा है आपकी। अब यहाँ पर कौन कौन से घास के मैदान देखने को मिलेंगे तो उसको सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको अफ्रीका की तरफ अगर नजर डालोगे तो आपको यहाँ पर सवाना घास के मैदान देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम ब्राजील की तरफ देखेंगे तो ब्राजील की तरफ हमें कैंपोस या कैंपस के घास के मैदान देखने को मिलते हैं, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। वहीं अगर हम वेनेजुएला की तरफ देखते हैं तो हमें वहां पर लानोस घास के मैदान देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में बात करेंगे, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यह हमें कहाँ देखने को मिलते हैं तो यह हमें कर्क रेखा से ऊपर देखने को मिलते हैं, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं तो, ठीक है। वहीं पर अगर हम दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करते हैं तो ये हमें मकर रेखा के दक्षिण की साइड में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से घास के मैदान हैं उनको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो आपको कौन से देखने को मिल रहे हैं, वो हमारे हो जाते हैं पुस्ताज। पुस्ताज की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसकी लोकेशन हमें हंगरी में देखने को मिलती है, ठीक है। कहाँ पर, हंगरी में। पेरी की बात करें तो ये हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम पंपास के बारे में चर्चा करें तो ये हमें अर्जेंटीना और उरुग्वे में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बेल्ट के बारे में तो ये हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। अगर हम डाउन्स के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के ही बगल में एक देश है आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में हमें कैटरबरी घास के मैदान देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे जीके सुपर 40 कोर्स चल रहा है हमारे ऐप पर, हमारी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है ना, जिसकी ड्यूरेशन आपकी 40 घंटे रखी गई है। इस कोर्स को आप परचेज करते हैं, अगर आपको यहाँ पर भारी डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कूपन कोड लगाना मत भूलिए, ठीक है ना। कूपन कोड ABHI आप जैसे ही लगाओगे ना आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और ये कोर्स जो है आपको वो 99 रुपीज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना डिस्काउंट मिल रहा है हमारे नाम, या आप कह सकते हो हमारा कूपन कोड यूज करने से, तो इसका लाभ क्यों न लिया जाए, इसका एडवांटेज उठाइए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप, ये नंबर दिया गया है यहाँ पर, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक और है आपका घास का मैदान, ठीक है ना, उसको हम स्टेपी के नाम से जानते हैं। अगर इसकी लोकेशन के बारे में देखें तो इसकी लोकेशन हमें यूरोप और एशिया में देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। चलिए इसको फटाफट हम मैप पर भी देख लेते हैं। मैप पर देखते हैं अगर तो आपको यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका यूएसए साइड पेरी देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लानोस देखने को मिल जाता है, इधर आपको पंपास देखने को मिल जाता है, ये अर्जेंटीना वाली जो लोकेशन है, ठीक है ना, अर्जेंटीना और उरुग्वे वाली जो लोकेशन, ठीक है, पंपास देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम ये अफ्रीका, अफ्रीका की तरफ नजर डालें या साउथ अफ्रीका में देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेल्ट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको वेल्ट देखने को मिल जाएंगे घास के मैदान, ठीक है ना, ये वेल्ट देखने को मिल जाएंगे। इस साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको सवाना देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको पुस्ताज, यहाँ पर आपको हंगरी देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इस साइड थोड़ा सा आएंगे तो ये आपका इधर, इधर लोकेशन होगी, ये हंगरी देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे तो आगे ये आपको यूरोप और एशिया के पार्ट में स्टेपीज देखने को मिल जाता है, यूरोप और एशिया के पार्ट में स्टेपीज देखने को मिल जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें डाउन्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है,
यहाँ पर हमें डाउन्स घास के मैदान या ग्रासलैंड देखने को मिल जाते हैं। इसी के बगल में ये आपका बना हुआ है न्यूजीलैंड, ठीक है ना, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की तरफ नजर डालते हैं तो यहाँ पर हमें कौन से घास के मैदान देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें कैटरबरी घास के मैदान देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप चीजें आसानी से आपको क्लियर हो रही होंगी, नोट्स आप प्रॉपर बना रहे होंगे। अगर नहीं बना पा रहे तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप जाइए कोर्स को परचेज करिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। नॉर्मल प्राइस है 29 रुपए में आपको वहां पर पीडीएफ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 29 रुपए में आप पीडीएफ खरीद सकते हो, जो एग्जाम टाइम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है, और आप हमारा भी सपोर्ट कर सकते हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।